हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आपके लिए मैं बता रहा हूँ तिजारी बैंक में सीरेडी कैसे अपडेट करने का और प्रीपेड कार्ड के बारे में भी बताएगा, प्रीपेड कार्ड कैसे कैंसिल करने का। उसका पूरा वीडियो एंड तक देखने का, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो सब्सक्राइब लाजिम करने का, शेयर भी करना, यूज़फुल वीडियो है। मैं अभी दो बैंक से बारे में बताया, क्योंकि दो बैंक मैं यूज़ कर रहा है, ABK और तिजारी। तिजारी का पूरा फोन से ही कर सकते हैं, पूरा कैसे आपको फोन सीरेडी अपडेट करने इसमें वीडियो में बताया है। फिर ABK का ABK का थोड़ा बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा, नहीं है तो ओलो का ATM, पूरा ATM में वो सिस्टम नहीं है, सब ATM में वो सिस्टम है, क्योंकि वो ATM में सीरेडी डाल के आपको अपडेट कर सकते हैं। वो एक्सेप्ट करने के और 50% चांस है, सब सीरेडी ओलो का एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो लाजिम बैंक में जाना पड़ेगा। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब आपको ऑनलाइन पेमेंट वो लोग फ्रीज करके रखेगा, नहीं तो ब्लॉक करके रखेगा, बोलेगा बैंक में जाके सीरेडी अपडेट करो, और KYC अपडेट बोलते हैं उसको। दूसरा एक क्या है कि आपको तिजारी का बहुत ईजी है, मैं आपको ऐप में बता, क्योंकि लेबर कार्ड कुछ भी कार्ड है तो आपको मोबाइल नंबर लाजिम जाके अपडेट करने का, पूरा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। अभी देखो ये वीडियो में मैं पूरा बताया है आपको सीरेडी कैसे अपडेट करने का, उसमें से क्या चाहिए। अभी फिजिकल ID है तो भी मुश्किल नहीं है, आपके पास सीरेडी है तो भी मुश्किल नहीं है, दोनों भी आपको इसमें अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, अभी बताएगा। ओके, एप्लीकेशन ओपन करो, ये फर्स्ट पेज है ना, होम का फर्स्ट पेज है, उसका आपको देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्लिक करो, उसके पास आपका आ जाएगा मोबाइल सीरेडी अपडेट, मोबाइल सीरेडी अपडेट क्लिक करो। दो तरीके से आपको अपलोड कर सकते हैं आपका सीरेडी, एक आपको सीरेडी अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो खींच के, आपका ओरिजिनल फिजिकल ID है तो क्लिक करेगा तो कैमरा ओपन हो जाएगा, आपको फ़ोटो खींच करो, उसके बाद आपके पास मोबाइल ID है, आपको फिजिकल ID नहीं है तो वो भी चलेगा। देखो मोबाइल पास ही सेंड मोबाइल पास ही नोटिफिकेशन है, वो क्लिक करो, वो क्लिक करने के बाद आपका हमारा पास ही के एप्लीकेशन है ना, इसमें होना चाहिए, देखो ऑटोमेटिक ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, वो क्लिक करो, फिर आपको पासवर्ड डालने का, और पास ही का पासवर्ड डाल लेंगे ना ऐसा पेज में आ जाएगा, उसमें से एक्सेप्ट कंडीशन करो और देने के करो, आपका फर्स्ट वाला पिन है ना वो पिन मारने का, और पास ही का ऐप ओपन करने का पिन है ना वो मारने का, ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुल दिखाएगा, ओके करो, अभी हो गया आपका, अभी ऐप में वापस जाओ, अभी ऑलरेडी सीरेडी अपलोड हो गया आपका, अपडेट हो गया। ओके, फिर आपका दूसरा एक बहुत वाला क्वेश्चन, बहुत आपका पूरा आदमी लोग बहुत मेरा कमेंट में क्वेश्चन किया है कि ये प्रीपेड कार्ड कैसे कैंसिल करेगा। ओके, ये अभी प्रीपेड कार्ड कैसे कैंसिल करेगा आपको बताएगा, आप ऊपर वाला ये देगा कस्टमर सर्विस का, ऊपर वाला तो क्लिक करो, मेरा एक ही आता है ना इसलिए थोड़ा मुश्किल है, ऊपर वाला ये देगा, इसमें से वो क्लिक करो, फर्स्ट वाला क्लिक करेगा तो आपको ऊपर ऐसा आएगा डिजिटल बैंकिंग रिक्वेस्ट, उसमें जाओ, चूस में जाओ, एमरजेंसी डालो, इसमें आपको लिखने का प्लीज़ कैंसिल माई प्रीपेड कार्ड। ओके, जस्ट सबमिट करो, बस सबमिट करने के बाद है ना वो लोग आपको कॉल करेगा। अभी नया न्यूज़ है क्योंकि मैं ओपन करने का टाइम ऑलरेडी उसको वो लोग को पूछा है ये प्रीपेड कार्ड कैसे कैंसिल करेंगे, और टाइम बोला 3 महीने के बाद कैंसिल कर सकते हैं। अब मैं अभी कैंसिल करने की कोशिश, ये वीडियो बनाने के पहले मैं कोशिश किया था कैंसिल करने का, और टाइम पे वो लोग बोला तुम प्रीपेड कार्ड कैंसिल किया तो तुम्हारा डेबिट कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे है तो ये प्रीपेड कार्ड हमेशा मेंटेन करने पड़ेगा, मतलब आपको हर साल में 10 KD आपका अकाउंट में खर्चा हो जाएगा। आपको यूज़फुल अकाउंट है तो रखो, नहीं है तो आपको नहीं चाहिए तो एक साल के अंदर कैंसिल करना है तो अकाउंट भी कैंसिल करना पड़ेगा, कुछ उधर जाकर जरूरत नहीं है, मैंने समझा। वो बोला सेम रिक्वेस्ट में मैं बोला अभी प्लीज़ कैंसिल प्रीपेड लिखाना उधर, प्लीज़ कैंसिल माई अकाउंट लिखेगा तो वो लोग कैंसिल करके देगा, बट अब बोला पूरा पैसा उसमें से निकालने का। पहले पूरा आदमी को मैं बोला कि 3 महीने के बाद कैंसिल कर सकते हैं बोला, तो उधर का मुझे स्टाफ का इन्फॉर्मेशन था, वो लोग ऐसा बताया था, अभी देखो ऐसा वो लोग चेंज करके रखा है, प्रीपेड कार्ड कैंसिल किया तो अकाउंट भी कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रूल है, मालूम नहीं वो लोग का क्या क्या बोलता है, अभी ऐसा बोला है इसलिए आपको नया नोटिफिकेशन भी इसमें बता रहे हैं आपको, वो लोग ऐसे बोला क्योंकि वो सेम मैं क्लिक किया था ना कैंसिल करना, उधर आपको क्या क्वेश्चन है पूरा आपको उधर पूछ सकते हैं, आपको क्या डाउट है उसके बारे में पूरा उधर पूछ सकते हैं, वो लोग जवाब देगा आपको। फिर दूसरा एक बात क्या कि आपको अकाउंट कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके,
वो कुछ 10K उतना बड़ा नहीं, कुछ बहुत यूज़फुल भी अकाउंट है क्योंकि पूरा पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको लिंक भी भेज सकते हैं, पूरा यूज़फुल भी है। फिर हमें आपको बताया दो तरीके, अब नेक्स्ट में वीडियो में बताएगा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गया तो, यूज़र नेम आपका यूज़र नेम और यूज़र आईडी पासवर्ड भूल गया तो कैसे अपडेट करें उसके बारे में उसका वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बताएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का यूज़फुल वीडियो है, तो लाइक भी करने का। ओके, थैंक यू।